कुछ शिक्षकों ने अपनी मर्यादा को तोड़ा है। गुरु कुमार कुंभ शिष्य गड़गड़ काड़े खोट, अंदर हाथ सहारे दे बाहे बाहे चोट। कुछ नेगेटिव भी होंगे तो उससे ज्यादा पॉजिटिव भी होंगे। और समाज में जब इंसान भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न दायित्वों के साथ काम करता है तो हर तरह के नेगेटिव हमारे सामने आते हैं। ऐसे में सिर्फ नेगेटिव पक्ष को देखना मुझे लगता है कि बेमानी होगा, क्योंकि ऐसी नज़ीर अगर समाज में जाती है तो वो शिक्षक पद की गरिमा को गिराती है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैं समझता हूँ सब लोग इस तरह के हो ही नहीं सकते, कुछ अपवाद हो सकते हैं। उनसे भी हमारी अपील है कि हम लोगों का समाज में एक बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा है। वो थीम है शिक्षक पुनरुत्थान का केंद्र है, यानी शिक्षक आत्मा है, हृदय है। वो हृदय अगर शिक्षक का है तो आप शिक्षक हैं, अगर वो हृदय वेतन भोगी कर्मचारी का है तो आप शिक्षक नहीं हैं। अगर यहाँ पर ऐसे टीचर हैं जो ऐसी कोई हरकतें करने में लिप्त हैं, तो ऐसे भी टीचर हैं जो अपने खुद की सैलरी से बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हैं, बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल रहे हैं, तो ऐसे भी टीचर हैं। 5 सितंबर टीचर्स डे, सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा आज हम जो शिक्षा के क्षेत्र से जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी शिक्षक हैं, उनसे एक अहम सवाल आज पूछने वाले हैं। और सवाल ये रहेगा कि शिक्षक का जो दर्जा है ना, वो काफ़ी ऊँचा है समाज में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से देश के अलग अलग कोनों से इस तरह की घटनाएं सामने आती है जहां पर शिक्षक कहीं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव करता नजर आता है, कहीं शिक्षक दुष्कर्म के मामलों में शामिल नजर आता है, कहीं शिक्षक छात्रों से इस तरह की बात कहा जाता है तो शिक्षक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। तो ऐसे में शिक्षक इस नेगेटिव आस्पेक्ट पर क्या सोचते हैं वो हम जानेंगे, और इसके पीछे वो क्या कारण देखते हैं वो भी हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सर, सबसे पहले तो आपका सीबीसी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत, और साथ ही आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा सर, एक छोटा सा सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि शिक्षक समाज में एक बहुत ऊंचा दर्जा रखता है, लेकिन ऐसे में बीते कुछ समय में हमने जिस तरह की घटनाएं सुनी है कि टीचर जाति और धर्म को लेकर भेदभाव कर रहा है, दुष्कर्म की खबरें, सर तो इस नेगेटिव आस्पेक्ट के आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षक दिवस है, आपको भी बधाई। और समाज के दो पहलू होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होंगे तो उससे ज़्यादा पॉजिटिव भी होंगे। और समाज में जब इंसान भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न दायित्वों के साथ काम करता है तो हर तरह के नेगेटिव हमारे सामने आते हैं। ऐसे में सिर्फ नेगेटिव पक्ष को देखना मुझे लगता है कि बेमानी होगा। आमतौर पर व्यक्तित्व के विकास के दौरान कई सारे पहलू ऐसे होते हैं जिनमें नकारात्मकताएँ हावी रहती है, तो सिर्फ ये कह देने से कि कुछ एकाध घटनाओं से पूरी शिक्षक प्रजाति ऐसी हैं, ये ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एकाध पुल टूट जाए तो पूरा इंजीनियर या पूरी इंजीनियर बिरादरी ख़राब है, ऐसा भी नहीं कह सकते। किसी एकाध मरीज की मौत हो जाने से सभी डॉक्टर्स ख़राब नहीं हो जाते। ऐसा ही समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएँ जो होती है उसमें उनके संस्कार, जो तथाकथित लोग होंगे, उसमें ज़रूरी नहीं शिक्षक हो, हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर पेशे के लोग, हर विमर्श के लोग इसमें शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसी नेगेटिव घटनाओं में कहीं ना कहीं उनके संस्कार, उनकी परवरिश, उनकी सोच और समाज के प्रति उनका नज़रिया है, वो इसके लिए ज़िम्मेदार होता है। शिक्षक दिवस पर नकारात्मक बात करना तो ठीक नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है। शिक्षक दिवस में कुछ शिक्षकों ने अपनी मर्यादा को तोड़ा है। गुरु कुमार कुंभ शिष्य गड़गड़ काड़े खोट, अंदर हाथ सहारे दे बाहे बाहे चोट। गुरु ने अपनी शिष्य के परंपरा से गुरु का स्थान बड़ा किया, गुरु से गोविंद से भी बड़ा है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में और हर जगह का है। गुरु को बहुत छोटे शब्दों में आपने तोल दिया, तो टीचर्स डे को देख समझेंगे तो जो हमको सिखाता है उसे उस्ताद बोलते हैं। उर्दू में उस्ताद, कला क्षेत्र में जितने भी हैं वो गुरु उस्ताद हैं। ऐसे ही एक ट्रक ड्राइवर जब अपने खलासी को सिखाता तो वो भी उसको उस्ताद बोलता है। गुरु केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी में, जहाँ भी कोई हमको अच्छा सिखाए वो गुरु है। और वो गुरु व्यापक परिदृश्य में देखेंगे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गुरु वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है। जब हम वेतन भोगी कर्मचारी बनते हैं तो हम अपने शिष्य के साथ दुष्कर्म करने से भी नहीं चूकते हैं, और हम धर्म के नाम पर लड़ाने से भी नहीं चूकते हैं, क्योंकि हमको जो पेड सर्विस दे रहे हैं, जहाँ हम 10,000 के सैलरी लेने वाले वेतन भोगी कर्मचारी बनते हैं, या सरकार के DA और ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन के झगड़े में जब हम उलझते हैं, तो हमको अपनी शिक्षा को छोड़कर दूसरे कामों की तरफ ध्यान जाता है। इसलिए शिक्षक का मूल धर्म है सिखाना, और वो सिखाना क्या होता है, तेन ते भुंजिता, त्याग पूर्वक जीवन जीना हमारी
हर धर्म संस्कृति का केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन हमने भोग सिखाने की कोशिश की है। जब हम भोग सिखाते हैं तो बच्चे भी टीचर का सम्मान नहीं करते और टीचर भी बच्चे का सम्मान नहीं करते। इसलिए शिक्षक दिवस पर जब हमारे द्वितीय राष्ट्रपति के पास बच्चे जाते हैं और कहते हैं कि आपका हैप्पी बर्थडे मनाना है, तो कहते मेरा हैप्पी बर्थडे मत मनाइए, मुझे जिस नाते आप जानते हैं, आप शिक्षक के नाते मुझे जानते हैं, उस दिन शिक्षक दिवस मनाइए। इसलिए प्रति वर्ष हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस स्वर्गीय राधा कृष्णन सर्वपल्ली राधा कृष्णन के पूर्व सेकंड राष्ट्रपति द्वितीय राष्ट्रपति के जन्मदिन को मनाते हैं। लेकिन आज का एक थीम भी है, वो थीम जरूर है, आप पूछेंगे, कई लोगों से पूछिए क्या थीम है, वो थीम है शिक्षक पुनरुत्थान का केंद्र है, यानी शिक्षक आत्मा है, हृदय है। वो हृदय अगर शिक्षक का है तो आप शिक्षक हैं, अगर वो हृदय वेतन भोगी कर्मचारी का है तो आप शिक्षक नहीं हैं। वो गलती जो है वेतन और कर्मचारी बनने पर होती है। अगर हम शिक्षक बनते हैं तो फिर हम कभी भी किसी को भी गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे। सबसे पहले तो थैंक यू आपको, आपको भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। निश्चय ही शिक्षक का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और महत्वपूर्ण स्थान रहने का कारण भी है कि वह एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करता है जो राष्ट्र समाज सभी के निर्माण में और उसकी उन्नति में योगदान करता है। रही बात आपके क्वेश्चन की, तो निश्चय ही कई ऐसे मामले जो हमारे सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए शर्मनाक हैं, पर यह समाज का या शिक्षक का एक पहलू है। निश्चय ही यह कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इन चीज़ों को गलत हैं, क्योंकि शिक्षक का काम जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज का निर्माण करना है, तो ऐसे कतई मामले माफ़ी के योग्य नहीं हैं, हमें उनको बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। और शायद कानून भी इस मामले में, भले वो पॉक्सो एक्ट है या कोई अन्य केस जो भी बने हुए हैं अधिनियम, तो वो कहीं ना कहीं इस मामले में शिक्षक के प्रति और ज़्यादा कठोर हैं कि वह ऐसी गलती ना हो, क्योंकि ऐसी नज़ीर अगर समाज में जाती है तो वह शिक्षक पद की गरिमा को गिराती है, और शिक्षक का जो स्थान है समाज में अगर वह गिरेगा तो केवल शिक्षक पद या व्यक्ति का स्थान नहीं गिर रहा है, यह पूरे समाज को कमज़ोर करने का प्रयास है। तो निश्चय ही ऐसे काम हमारे सामने न आए और एक अच्छी मिसाल पेश हो, जैसे APJ अब्दुल कलाम हो या फिर रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्तित्व, यही हमारे आदर्श होने चाहिए। देखिए, शिक्षक निश्चित रूप से बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारता है, आदर्श समाज का निर्माण करता है, जो एक विकसित और बहुत ही समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग करता है। मैं समझता हूँ कि शिक्षक को समभाव से सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करने के लिए बच्चों को, व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को पे करना चाहिए और नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। शिक्षक तो बालक का सर्वांगीण विकास करता है, उसको सभी आस्पेक्ट में उसका कैसे डेवलपमेंट हो, इस इशू को लेकर के शिक्षक अपनी बात रखता है, अपने बच्चों को संवारता है, अपने विद्यार्थियों से स्नेह रखता है। इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ सभी शिक्षकों से भी मैं यही विनम्र आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो एक समदृष्टि से अपने पेशे को, प्रोफेशन को, अपने पैशन को जिए और शिक्षण संस्थानों को, विद्यार्थियों को बेहतर बनाने का प्रयास करें। सर, ये जो नेगेटिव रोल हम देख रहे हैं, इसका कारण आप क्या मानते हैं? नकारात्मक रोल मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैं समझता हूँ सब लोग इस तरह के हो ही नहीं सकते, कुछ अपवाद हो सकते हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि हम लोगों का समाज में एक बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा है, सम्मान की दृष्टि से शिक्षक को देखा जाता है, तो उन सारे वर्चीज को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं शिक्षक दिवस पे समस्त शिक्षकों को बधाई देना चाहूँगा, और आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने शिक्षक दिवस पर एक, आपको जो भी उचित लगा आपने एक मुद्दा उठाने के लिए एक बाइट ले रहे हैं आप, आपने बात कर रहे हैं लोगों से। हाँ, जब तक आपका सवाल है कि ये जो जो वाइसेस हैं, दे आर टर्बिंग कंडक्टेड बाय द टीचर्स, और जो टीचर्स के द्वारा जो हो रहा है, उस पर मेरा बस यही है कि अगर यहाँ पर ऐसे टीचर हैं जो ऐसी कोई हरकतें करने में लिप्त हैं, तो ऐसे भी टीचर हैं जो अपने खुद की सैलरी से बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हैं, बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल रहे हैं, तो ऐसे भी टीचर हैं। समाज में हर तरह के लोगों का अपना अपना एक समूह होता है, तो शिक्षक सही मायने में तो वही है जो बच्चों का हित करे, जो बच्चों के लिए अपने जीवन को, अपने ज्ञान को, अपने अर्जित ज्ञान निधि को
यू नो स्पेंड करें और बच्चों के लिए काम करता रहे, वही शिक्षक है। बाकी जो अगर ऐसे भी अगर कोई लोग हैं तब उस पर तो मेरा क्या कमेंट हो सकता है। मैं शिक्षक तो उसी को मानता हूँ जो अपनी अर्जित ज्ञान निधि को बच्चों के हित के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए उपयोग में लाए। प्राचीन समय से ही गुरु समाज में सर्वश्रेष्ठ भूमिका में रहा है और शिक्षक का समाज में एक बहुत उच्च स्थान रहा है। ये आप जो बात आपने कही इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। कहीं ना कहीं समय के साथ हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी, वह गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत जो शिक्षा दी जाती थी तो वहाँ व्यक्तित्व निर्माण और संस्कार प्रमुखता पर रहते थे। आज जब शिक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तन आए और उस परिवर्तन के दौरान हम केवल भौतिक बाद की ओर बढ़ने लगे, उसके कारण से कहीं ना कहीं हमारे मूल्यों में और संस्कारों में गिरावट आई। और जो आप कह रहे हो कि दुष्कर्म जैसे मामले में, तो ये एक पूर्णतः एक व्यक्तिगत मनोवृत्ति होती है। इसमें शिक्षक भी हो सकता है, समाज का कोई अन्य वर्ग भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं ये नहीं कह सकता कि शिक्षक समाज कोई दुष्कर्म की प्रवृत्तियों में अधिक लिप्त पाया जाता है। ये कोई अपवाद स्वरूप कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ह्यूमन नेचर है और ये मनोवृत्ति है। और मनोवृत्ति जो ये है उसको ठीक अपन शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। रही दूसरी बात जाति और धर्म के भेद की बात, तो मैं जिस विश्वविद्यालय में परिसर में हूँ और जहाँ से मैंने अध्ययन किया है, अपनी सारी शिक्षा हासिल की है, मेरी दृष्टि में कभी ऐसा कोई भेदभाव जैसा मुझे कहीं भारत में दिखाई नहीं देता है कि जातीयता के आधार पर कोई भेदभाव। ना प्राचीन काल से भी आप देखोगे, तब से लेकर के आज तक हमारे यहाँ भारतीय पूरी शिक्षा पद्धति में जातीय भेदभाव गुरु और शिष्य के मध्य कभी देखने को नहीं मिलता है। सर, मुजफ्फरनगर से बीती कुछ दिनों पहले ही घटना आई थी जहाँ पर मुस्लिम छात्र को ये कहकर पीटा गया था कि ये मोमडन है, इसे मारा जाए। उस संदर्भ में हम ये बात कर रहे हैं, तो मामले तो हैं सर, हम अगर देखना नहीं चाहें वो बात अलग है। देखिए, जो आप मुजफ्फरनगर की आप चर्चा कर रही हैं उस विषय में मैंने अभी तथ्यपरक जब तक मेरे पास जानकारी नहीं होगी तब तक मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हर चीज़ की, हर घटना के और हर जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसकी बहुत तथ्यपरक जानकारी हमको करनी चाहिए, तब जा करके हम उसके बारे में कोई टिप्पणी कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता, मैं जिस परिसर में हूँ उस परिसर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ कभी भी किसी संप्रदाय के आधार पर, किसी जाति के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर मैंने कभी कोई भेदभाव यहाँ नहीं देखा है। चलिए, थैंक यू सो मच सर।